सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको डिस्टेंस से रिलेटेड वीडियो लाया हूँ जो कि बड़ी ही आसानी से आपको समझाने वाला हूँ और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई मोटरसाइकिल 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। मान लीजिए कि आपका कोई मोटरसाइकिल है जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, तो 90 मिनट में कितना दूरी तय करेगी यही हमको निकालना है। तो चलिए बड़ी ही आसान तरीका से बताते हैं। तो यदि कोई मोटरसाइकिल 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा का जो मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे प्रति, ये जो ऑब्लिक जैसा दिया गया है प्रति है, ये जो तिरछा लाइन है इसको बाटा बोलते हैं, प्रति बोलते हैं, यानी जो ये जो मोटरसाइकिल है वो 1 घंटा में 70 किलोमीटर चल रही है। प्रति घंटा का मतलब होता है कि 1 घंटा में 70 किलोमीटर चलती है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, जो हमारा मोटरसाइकिल है 1 घंटा में, 1 हावर्स में, हावर्स मतलब घंटा, कितना देर कितना किलोमीटर चलती है, तो 70 किलोमीटर चलती है। तो हमको निकालना है कि 90 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, यानी 90 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगी यही हमको निकालना है। तो चलिए बड़ी आसान तरीके से समझाते हैं। तो 1 घंटा में 70 किलोमीटर चल रही है और 1 घंटा में हमारा 60 मिनट होता है। यह तो आपको पता होगा, और नहीं पता हो तो ध्यान से देख लीजिए, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में हमारा 1 घंटा होता है, ये आपको याद रखना है। तो 60 मिनट में भी हमारा 70 किलोमीटर चलेगी बाइक, जो मेरा मोटरसाइकिल है, 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में भी 70 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि 1 घंटा और ये मिनट में हम बदल दिए, 1 घंटा को हम मिनट में बदल दिए, तो 60 मिनट हो गया और ये जो किलोमीटर है 70 किलोमीटर चलेगी। और हमको निकालना है कि 90 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। तो 60 का आधा क्या होता है, तो 30 होता है। तो 30 मिनट में हमारा जो मोटरसाइकिल है कितना दूरी तय करेगी, तो 60 का आधा कर दिए 30, और 70 का आधा भी हम करेंगे तो ये हो जाएगा 35, क्योंकि 60 का आधा करेंगे तो ये 30 हो गया, और ये जो है 60 मिनट जो है 70 किलोमीटर के बराबर है, तो हमको इसको भी तो आधा करना पड़ेगा, तो 70 का आधा 35 हो गया। अब आपको 30 मिनट में 35 किलोमीटर चल रही है और 60 मिनट में हमारा 70 किलोमीटर चल रही है, तो हमको निकालना है कि 90 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। तो 60 और 30 को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, ये वाला जो 60 है और ये वाला जो 30 है, 60 मिनट और प्लस 30 मिनट 90 मिनट हो जाएगा। तो 60 और 30 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 90 मिनट हो जाएगा, बराबर में 70 को भी और 35 को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 60 और 30 90 है, और 70 35 जो होगा हमारा यहाँ पर, 70 35 मिले कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 और 7 7 3 10 105 हो जाएगा, यानी 90 मिनट में जो हमारा बाइक है 105 किलोमीटर जो है चलेगी। तो देख सकते हैं कितना आसान तरीके से मैंने ये जो 90 मिनट का जो फासला है, 90 मिनट में जो दूरी तय करेगी 105 मीटर चलेगी ये जो बाइक है, जिसका रफ्तार है 70 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर दिया गया है, तो 90 मिनट में 105 किलोमीटर चलेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना आसान तरीके से मैंने 90 मिनट में यहाँ पर निकाल लिया हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा। तो गाइज, आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना। उससे यह फायदा होगा कि जब भी आपका भाई न्यू वीडियो अपलोड करेगा, उस वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार आपके मोबाइल पर आता रहेगा। तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।